अयोध्या के श्री राम मंदिर में आज आम लोगों के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। राम काज संपन्न हो गया है, लेकिन सियासत कम होने के नाम ही नहीं ले रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उनका यह बयान काफी विवादित है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में वो कहते हुए नजर आए कि 6 दिसंबर के दिन को जो लोग भूल जाने को कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे बाप या माँ की मौत को भूल सकते हो क्या? और ऐसा पहली बार नहीं है जब असदुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान दिया है, लेकिन कल जब प्राण प्रतिष्ठा होती है उस मौके पर ये भड़काने वाला बयान असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंत की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम? तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? आप एक सिस्टमेटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। और उधर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इशारों में पीएम मोदी पर तंज कस दिया है। उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने से इनकार इसलिए किया क्योंकि हमें संविधान की धर्म निरपेक्षता के लिए प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। belongs to all people and all sections of Indian society in equal measure. We cannot be promoting one religion above all others or demean one religion beneath every other. बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। ममता बनर्जी न्योता मिलने के बावजूद अयोध्या नहीं गई, इसके बजाय उन्होंने कोलकाता में सर्वधर्म रैली निकाली जिसमें उन्होंने बीजेपी को महिला विरोधी पार्टी कह दिया। ममता बनर्जी ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ भगवान राम की बात करती है लेकिन देवी सीता को भूल जाती है। ममता ने आगे कहा कि वो निर्दोषों के शवों पर बने पूजा स्थल को कैसे स्वीकार कर सकती है। इससे पहले ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने भी यही बयान दिया था। तो एक तरफ तो तमाम नेता विवादित बयान दे रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर पर सियासत करने वालों पर बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने कहा कि कार सेवकों पर चली गोलियों को भुलाया नहीं जा सकता है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह कहा कि भारत राम राज्य के साथ साथ विश्व गुरु भी बनेगा। अपनी आंखों के सामने राम भक्तों की छातियों को पुलिस की गोली से छलनी होते देखा, गुप्ता जी को, महेंद्र अरोड़ा को और कोठारी बंधुओं को इन हाथों से मैंने उठाया